सलमान खान क्यों चाहते हैं कि हम आपके हैं कौन का सीक्वल बने? इस फिल्म की स्क्रीनिंग राष्ट्रपति भवन में क्यों हुई थी? दीदी तेरा देवर दीवाना किस गाने का कॉपी है? शूटिंग के दौरान किसको लकवा मार गया था? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, सुपरस्टार सलमान खान और माधुरी दीक्षित की फिल्म हम आपके हैं कौन तो सभी लोगों ने देखी होगी और इस फिल्म ने अब अपने 25 साल पूरे कर लिए हैं। इसी खुशी के मौके पर इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई जिसमें इस फिल्म के सभी सितारे मौजूद थे। गौरतलब है कि सलमान खान और माधुरी दीक्षित ने यहाँ पहुँच कर महफिल में 4 चांद लगा दिए। इस मौके पर जब दोनों मौजूद हों तो धमाका होना तो तय ही था। सलमान खान और माधुरी दीक्षित ने फिल्म के गाने पहला पहला प्यार है में रोमांटिक डांस किया जो कि इस समय वायरल हो रहा है। ये फिल्म अपने रिलीज के इतने सालों के बाद भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और सदाबहार फिल्मों में शामिल है। इस फिल्म के इतिहास की अगर बात करें तो ये फिल्म 5 अगस्त 1994 को रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में प्रेम और निशा की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया था। इसके साथ ही इन दोनों की लव स्टोरी के अलावा फिल्म के गाने और उन पर सलमान और माधुरी के डांस ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा थी जिसके बारे में पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी कि नहीं चलेगी। फिल्म रिलीज हुई और सभी भविष्यवाणियों को दरकिनार करते हुए भारत की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। आजकल तो बतेरी फिल्में हैं लेकिन उस दौर की वो पहली फिल्म थी जिसकी बॉक्स ऑफिस कमाई 1 अरब से आगे गई थी। आज हम आपके हैं कौन को 25 साल हो गए हैं लेकिन देखने पर आज भी वही प्यार और ताजगी महसूस होती है। इस फिल्म से लोगों की बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। यही वो फिल्म थी जिसने सलमान खान को सलमान खान बनाया था। जब फिल्म इतनी खास थी तो सोचिए इससे जुड़े किस्से कितने मज़ेदार और ख़ास होंगे। तो एक नज़र इधर भी डाल लेते हैं। वेल दोस्तों, कहा जाता है कि अगर सूरज भटजात्या दादाजी की मान लेते तो हम आपके हैं कौन नहीं होती। जी हाँ, ये फिल्म सूरज भटजात्या ने डायरेक्ट की थी और प्रोड्यूसर थे उनके दादाजी ताराचंद भटजात्या। ताराचंद ने राजश्री प्रोडक्शन नाम से प्रोडक्शन हाउस खोला था। इस फिल्म में बहुत सी नई चीज़ें ट्राई की गई थी, जैसे कुछ सीक्वेंस रेगुलर तरीके से शूट करने के बजाय गानों में पिरो दिए गए थे। ऐसा ही एक सीक्वेंस था दिखता ना गाने का। जब सूरज ने ये फिल्म बनाकर अपने दादाजी को दिखाई तो उन्हें ये गाना और सीक्वेंस इतना पसंद आया कि वो फिल्म का नाम ही दिखता ना रख देना चाहते थे, लेकिन सूरज के बहुत समझाने पर वो माने और फिल्म को हम आपके हैं कौन नाम से रिलीज़ किया गया। वेल, इस फिल्म का एक गाना था दीदी तेरा देवर दीवाना। दोस्तों, ये गाना नुसरत फ़तेह अली के गाने की कॉपी थी। फिल्म में कुल 14 गाने थे और सभी ज़बरदस्त हिट हुए थे लेकिन ये गाना काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। लेकिन इस गाने के बारे में कहा जाता है कि इसकी प्रेरणा फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर राम लक्ष्मण को नुसरत फ़तेह अली खान के गाने सारे नबिया से मिली थी। हालांकि ये सब बातें भी इस फिल्म के गानों के लिए लोगों का प्यार कम नहीं कर पाई। फिल्म का एल्बम साल का सबसे ज़्यादा और 90 के दशक का 4था सबसे ज़्यादा बिकने वाला साउंडट्रैक बना। इस एल्बम की तकरीबन 1 करोड़ यूनिट्स बिकी थी। सबसे खास बात ये कि इस फिल्म के बाद किसी भी फिल्म में लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम ने 7 गाना नहीं गाया। अब अगर बात करें कि शूटिंग के दौरान किसको लकवा मार गया था तो दोस्तों, फिल्म की शूटिंग के बीच में ही एक्टर अनुपम खेर को लकवा हो गया था। उनके शरीर का बायां हिस्सा ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसीलिए फिल्म के एक सीन में जब पूरी फैमिली एक गेम खेल रही थी तब अनुपम खेर ने शोले वाले सीन की नकल की थी। इस सीन में उनका किरदार मुंह टेढ़ा करके धर्मेंद्र वाला डायलॉग बोलता है। अनुपम ने मुंह टेढ़ा किया नहीं था बल्कि लकवे की वजह से उनका मुंह टेढ़ा हो गया था और इसीलिए उनसे वही सीन करवाया गया। वेल, कहा यह भी जाता है कि इस फिल्म के लिए माधुरी दीक्षित को सलमान खान से ज़्यादा फीस मिली थी और ये बताने वाले कोई और नहीं, उस फिल्म का हिस्सा रहे अनुपम खेर थे। उन्होंने ये बात महिला और पुरुष की समानता की बात करते हुए कही थी। इस फिल्म के लिए माधुरी दीक्षित को 2,75,35,729 रुपये मिले थे। ये उस दौर के लिए बहुत बड़ी रकम थी।
और इसकी वजह वाजिब भी थी, क्योंकि माधुरी उस वक्त सलमान खान से बड़ी स्टार थी। हालांकि सलमान खान से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने सवाल टालने के अंदाज में कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा। वेल, जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो इसकी दीवानगी सिर्फ आम लोगों में ही नहीं बल्कि मशहूर शख्सियतों में भी थी। इसका एक मशहूर उदाहरण है चित्रकार MF हुसैन। हुसैन साहब को ये फिल्म इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे 70 से भी ज़्यादा बार देखा। वो इस फिल्म के बाद माधुरी की खूबसूरती और अदाकारी के फ़ैन हो गए। इसके बाद उन्होंने माधुरी की कई पेंटिंग बनाई। इतना ही नहीं, उन्होंने माधुरी दीक्षित को लेकर गजगामिनी नाम की एक फिल्म भी बना डाली। ये अलग बात है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई। वेल, हम आपके हैं कौन जब रिलीज़ हुई तो इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि सब लोग इसे देखना चाहते थे। इन्हीं सिनेमा प्रेमियों में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा और उनकी पत्नी श्रीमती विमल शर्मा भी शामिल थी। उनके लिए इस फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग राष्ट्रपति भवन में भी रखवाई गई, जहां उन्होंने फिल्म देखी और देखकर उसके मेकर्स को बधाई दी। इसके बाद फिल्म के डायरेक्टर सूरज भट्टाचार्य की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वेल, इस फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए 12 श्रेणियों में नॉमिनेट किया गया था, जिनमें से इसने बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस समेत 5 अवार्ड्स अपनी झोली में डाले। लता मंगेशकर, जिन्होंने इस फिल्म में 10 गाने गाए थे, एक अरसे से अवार्ड लेने बंद कर दिए थे। उन्हें रिक्वेस्ट करके इस फिल्म के गाने दीदी तेरा देवर दीवाना के लिए बेस्ट सिंगर का अवार्ड लेने के लिए खास तौर पर बुलाया गया था। उन्होंने इस गाने से जुड़ा एक किस्सा शेयर करते हुए बताया कि उन्हें ये गाना गाने का बिल्कुल भी मन नहीं था और उन्होंने फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर राम लक्ष्मण से ये भी कहा था ये गाना नहीं चलेगा। बावजूद इसके उन्होंने ये गाना गाया और ये इतना बड़ा हिट हुआ कि इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। तो अब सलमान खान चाहते हैं कि उनकी इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का सीक्वल बनाया जाए। वेल, दोस्तों, क्या आप चाहते हैं? अगर हाँ तो जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।